हेलो एवरीवन, आज का विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान और हम इतिहास से यानी कि पाठ इतिहास से पहला चैप्टर हमारी बुक में है पर पाठ आठ कब कहाँ और कैसे। इस अध्याय में हम इतिहास के विषय में पढ़ेंगे यानी कि इतिहास क्या है, हमारे अतीत का क्रमवार अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास का अर्थ क्या हुआ, हमारे अतीत का क्रमवार अध्ययन। अब हम इतिहास को जब अध्ययन करते हैं तो बहुत ज्यादा वो पार्ट बड़ा हो जाता है, तो उसको यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। कक्षा सिक्स में यानी कि कक्षा छह में हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास दो भागों में बांटा गया था, पहला है पूर्वकालीन इतिहास और उसके बाद है ईसवी पूर्व का इतिहास। यानी कि पूर्वकालीन इतिहास का अर्थ क्या है, जब हम सन बनाना यानी ईसवी जब से बनना शुरू हुई उससे पहले का इतिहास। यानी कि इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, बस हम अनुमान के आधार पर इस इतिहास गणना करते हैं। प्राचीन इतिहास का समय सीमा 8वीं शताब्दी तक माना गया है। यानी कि प्राचीन इतिहास को हम 0 से लेके 8वीं शताब्दी तक समय इसका माना गया है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन इतिहास और 18वीं शताब्दी से अब तक का आधुनिक इतिहास माना गया है। प्राचीन इतिहास में हम आदि मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि हम किस तरीके से आदि मानव ने सिविलाइज्ड हुआ या कह सकते हैं सभ्यता का विकास किया उसने अपने आप को, चाहे वो किस प्रकार उसने खेती करना प्रारंभ किया, किस प्रकार उसको आग का ज्ञान हुआ, किस प्रकार उसने बर्तन बनाने का ज्ञान लिया, यही सब हम आपके प्राचीन इतिहास में अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व इतिहास या कि ईसा पूर्वी इतिहास। पूर्व इतिहास जब से हम शताब्दी या सदी बनाना शुरू किया, ईसा पूर्व से पहले के समय को हम पूर्व इतिहास कहते हैं। और ईसा पूर्व यानी कि शुरुआती समय का जो ईसा पूर्व था तब से हम इसे